फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रिव्यू के अंदर हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है, लॉक लगाना होता है ताकि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजेस ना कर सके, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो कैसे ही करेंगे, आइए देखते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लॉक करना है उसको आपने ओपन कर लेना है और इस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है और ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेट एडिटिंग। या नाम से ही पता चल रहा है रिस्ट्रिक्ट कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, फॉर्मेटिंग कि इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग ना कर सके हमारे डॉक्यूमेंट में, और एडिटिंग कोई एडिटिंग यानी कि कुछ ऐड ना कर सके ना ही कुछ डिलीट कर सके। तो इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन यानी कि कोई एडिट ना कर सके तो आपने इसको टिक करना है, और अगर आप चाहते हो कोई फॉर्मेट भी ना कर सके तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट रिस्ट्रिक्शन को। और उसके बाद आपने सबसे नीचे ऑप्शन है स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अगर पासवर्ड डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर बिना पासवर्ड के भी आप पर लॉक लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा, आपने ओके कर देना है और उसके बाद आपने ये क्रॉस करके क्लोज कर देना है। उसके बाद जब आप इसके अंदर लिखने की कोशिश करोगे तो ये आपके सामने पासवर्ड जहाँ पे आपने विंडो में लगाया था ये विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्मेटिंग एडिटिंग की, और कि ये आपको बोल रहा है कि आप इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते। तो आप इसके अंदर किसी तरह की भी एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ एडिटिंग, ये देखिए सारी ऑप्शंस बंद पड़ी हैं तो कोई एडिटिंग हो नहीं सकती। अगर आप करना चाहते हो रिव्यू में जाइएगा, प्रोटेक्ट में जाना है, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग में जाना है और नीचे ऑप्शन है स्टॉप प्रोटेक्शन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद अब इस को बंद कर दीजिए इस विंडो को। तो आप इसके अंदर अब चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने इसको पासवर्ड लगा सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट को। तो अगर आप चाहें पासवर्ड भी लगा सकते हैं, यानी कि अभी तो हमने लॉक किया था तो पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो दोबारा इसको खोलेंगे और इसके अंदर जाएंगे स्टार्ट एनफोर्सिंग के अंदर, और यहाँ पे आप पासवर्ड लिख दीजिए जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। एक बार दोबारा से रीराइट कर दीजिए पासवर्ड को, ओके कर दीजिए। अब अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे पासवर्ड लग गया है। अब आप लिख तो इसमें नहीं सकते क्योंकि लॉक लग गया है, और अगर इसको खोलना चाहते हैं तो आपने रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग में दोबारा जाना है, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। हमने पासवर्ड लगाया था इसीलिए ये अब आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, ओके करना है। तो अब आपका पासवर्ड यानी कि ओपन हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।